गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ और सेफ होंगे। सबको घर पर ही रहना है, बिना काम के बाहर नहीं निकलना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक कॉम्प्रिहेंशन नोटबुक में करवाया था, वैसे ही एक कॉम्प्रिहेंशन और मैं आपको रिवीजन में करवा रही हूँ। तो आप लोग इसको नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखिएगा और इसके दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। तो चलो अब हम इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं और समझते हैं और इसमें दिए गए क्वेश्चन को करते हैं। और दूसरी एक बात बच्चों, आप लोगों को अब ये बहुत अच्छा समय मिल रहा है। जिसको रीडिंग नहीं आती है वह घर पे बैठ के अपने भाई बहन या मम्मी पापा से रीडिंग सीख लेना ज़रूर से। और जिसकी राइटिंग ख़राब है वो अपनी राइटिंग भी सुधार लेना रोज़। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था, ज़्यादा नहीं लिखना है, चार पाँच लाइन लिख के अपनी राइटिंग भी सुधार लेना। अच्छा बच्चों, चलो अब हम पढ़ते हैं परिच्छेद को। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए तथा इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सच्चा मित्र एक शिक्षक की भांति होता है। जिस प्रकार शिक्षक अपने छात्र को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र पाप के गर्त में गिरने से बचाता है। अर्थात एक अच्छा शिक्षक अपने मित्र को और मित्र की भांति होता है और वह अपने स्टूडेंट को, अपने छात्र को हरदम अच्छी बात सिखाता है और पाप के गर्त यानी पाप की गंदगी में गिरने से बचाता है। मानव जीवन अधिक रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की धर्म बुद्धि नष्ट हो जाती है। मानव जीवन एक रहस्यपूर्ण है और उसके जीवन में कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं कि न चाहते हुए भी वह ऐसे काम करता है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तब कौन हेल्प करता है बच्चों? एक सच्चा मित्र कौन बनता है? शिक्षक बनता है, टीचर बनता है। उसका मन दुर्गति से पाप की ओर दौड़ता है। ऐसे समय में मित्र ही अधिक कल्याणकारी सिद्ध होता है। मित्र के उपदेश का जितना प्रभाव हृदय में पड़ता है उतना किसी का नहीं पड़ता। चलो तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1। मित्र का विलोम शब्द है दुश्मन, शत्रु, दोस्त, सखा। तो मित्र का है शत्रु। सच्चा का बहुवचन रूप है सच्चा, सच्चे, सच्चो, सच्चे, सच्चे। क्वेश्चन नंबर 3। उपस्थित में प्रत्यय क्या है? इत, स्थित, उप, त। तो उप प्रत्यय है। इस प्रकार इसमें से हम आपको क्वेश्चन भी बना के पूछ सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि कब नष्ट होती है, मनुष्य के जीवन में कैसे अवसर आते हैं, मनुष्य का सच्चा दोस्त कौन है। तो इस प्रकार हम पैराग्राफ में से कुछ भी क्वेश्चन बनाकर पूछ सकते हैं। तो आपको इसके लिए रीडिंग आनी चाहिए ना। अगर रीडिंग आती होगी तभी आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके उत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको जैसा पहले बोली हूँ कि आपको रीडिंग इन दिनों बैठकर रोज तो एक एक पैराग्राफ रीडिंग करना है और अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव करनी है। तो इस प्रकार आपको मैंने ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन समझा दिया है। ये रिवीजन के लिए है, ये मैं गूगल क्लासरूम में डाल रही हूँ, आपको ये रफ नोटबुक में करना है। तो बच्चों अगर फिर भी कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, पर पूछने के लिए पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो सब इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और अपने आप भी क्वेश्चन बना के इसके आंसर इसमें से ढूँढ सकते हैं। थैंक यू।